ठीक है, आप सर इंचार्ज है, अगर 10 तारीख के ही बाद लड़के लोग को आप दे दीजिए, 10 के बाद आप इसको लिखित देते हैं कि जो पैसा लिया जा रहा है बच्चों से वो वापस कर दिया जाएगा। ये तो प्रधानाचार्य के, तो ये जब ऑनलाइन सारी प्रक्रिया हो जाएगी सर, उसके बाद फिर बैठकर बात करने की क्या बात होगी? दो ही बात हो सकती है ना, कि सारे बच्चों का पैसा दे दिया जाए, और नहीं तो आज प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, जैसे लड़कों से मैंने बात किया, बोले कि आज और कल हम सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे 1-1.5 घंटे, बुधवार से इसको हम प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पर बैठेंगे और जो यहाँ पर हम प्रदर्शन करेंगे उसका जिम्मेवारी हम लोग नहीं होंगे, कॉलेज प्रशासन ही होगा, ऐसा इनका कहना है। इसको ही दे दी है और एक तरह के सांकेतिक प्रदर्शन है, ये हम भूले नहीं है और हम फिर से आगे करेंगे ये वाला। यानी कि आप प्रिंसिपल सर की बात मान रहे हैं कि हम प्रिंसिपल सर से बात करेंगे और ये जो उनका दिक्कत है वो खत्म किया जाएगा जी, तो अभी आप लोग आंदोलन यहाँ पर अभी सांकेतिक खत्म कर रहे हैं? सांकेतिक आंदोलन खत्म कर रहे हैं या आज का सिर्फ? आज का खत्म है, आंदोलन तो जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। समय दिखाइएगा, लगभग 10:45 बज रहा है, 10:45 का समय हुआ और अभी यहाँ पर सर से हम बात करते हैं। चलिए सर से ही हम बात कर लेते हैं। सर, आज के इंचार्ज हमको जानकारी हुआ आप ही हैं? हाँ। तो अभी 10:45 हो गया सर और अभी आप आ रहे हैं और एग्जाम 10 बजे से ही था। हाँ, गाड़ी थोड़ा हवा कम और ये लोग जो सांकेतिक प्रदर्शन, अभी हम लोग लड़के से बात किए, कल प्रिंसिपल सर से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि लड़के लोग को समझाओ और कहो कि प्रदर्शन खत्म कर दें, हम आते हैं तो बात करेंगे, क्या कहेंगे? अभी लगातार ये लोग वही करेंगे, हम लोग सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं। अभी प्रिंसिपल से बात किए थे तो बोले कि हम आते हैं, परीक्षा अभी जारी रहने दीजिए, 10 तारीख के बाद इस पर बात होगी, 10 के बाद बात होगी, ताकि सारे बच्चे तब तक बोनाफाइड बना लें ऑनलाइन के माध्यम से। तो ठीक है, देखिए अलग अलग यहाँ पर हाथ में बैनर लेकर के लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब बैनर को दिखाइएगा, ये सब जो बैनर हाथ में ले रखा है उस सबको दिखाइए यहाँ पर, क्योंकि जानकारी ये हुआ कि आज प्रिंसिपल सर नहीं आएंगे, तो प्रिंसिपल सर नहीं आएंगे तो हम छात्र से ही बात करते हैं, इनका प्रदर्शन किस तरह आगे रहेगा। आज जानकारी हुआ कि आज प्रिंसिपल सर नहीं आएंगे, संतोष कुमार जी इंचार्ज में, और कल हमारी प्रिंसिपल सर से बात हुई, उन्होंने बताया कि लड़के लोग को बोलो कि हमसे बात करें, हम आते हैं कॉलेज, तो प्रोटेस्ट लगातार कि जब प्रिंसिपल सर बोल ही रहे हैं कि हम आ रहे हैं छात्र से ही बात करेंगे, तो क्या इस पर आप लोग सोच रहे हैं? देखिए आज हम लोग उनको मतलब एक दिखा रहे हैं, मतलब आज कल भर हम प्रदर्शन ऐसे ही करेंगे, अगर हमारी बात नहीं मानते इसके आगे सख्त हमें तालाबंदी और करेंगे, वो नहीं आते हैं तो, और वो ऐसे पर कल फिर हम ऐसा करेंगे, 1-1.5 घंटा से भी खा रहा है पर अभी तक कोई स्टाफ नहीं आए हैं, कोई ना पूछने वाले कुछ भी नहीं आए हैं। तो मतलब एक तरह से आप लोग का ये संकेतिक है कि आप मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो आवेदन दिए हैं उसको भूले नहीं है, हम लगातार यहाँ पर आज और कल ये प्रदर्शन करेंगे, और आवेदन 26 को ही दे दिए हैं और एक तरह के सांकेतिक प्रदर्शन है, ये हम भूले नहीं है और हम फिर से आगे करेंगे ये वाला। यानी कि आप प्रिंसिपल सर की बात मान रहे हैं कि हम प्रिंसिपल सर से बात करेंगे और ये जो उनका दिक्कत है वो खत्म किया जाएगा जी, तो अभी आप लोग आंदोलन यहाँ पर अभी सांकेतिक खत्म कर रहे हैं? सांकेतिक आंदोलन खत्म कर रहे हैं या आज का सिर्फ? आज का खत्म है, आंदोलन तो जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। तो देखिए यहाँ पर छात्र को जो लीड कर रहे हैं प्रिंस कुमार, उनका सीधा कहना है आज हम लोग सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे और प्रिंसिपल साहब से हमारी बात हुई थी, हमने मैसेज दिया था इनको क्योंकि प्रिंसिपल साहब बोले कि हम आते हैं तो छात्रों से बात करेंगे, तो प्रिंसिपल साहब का बात रखते हुए प्रिंस कुमार यहाँ पर बोले कि आज हम सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, फिर कल इसी टाइम में हम यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और फिर से सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे, अगर प्रिंसिपल साहब हम लोगों से बात नहीं करते हैं तो अगले दिन आने वाले दिन से यहाँ पर हम प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर देखिए हम आपको दिखा दें, थोड़ा समय दिखाइएगा, समय दिखाइएगा, लगभग 10:45 बज रहा है, 10:45 का समय हुआ और अभी यहाँ पर सर से हम बात करते हैं। चलिए सर से ही हम बात कर लेते हैं। सर, आज के इंचार्ज हमको जानकारी हुआ आप ही हैं? हाँ। तो अभी 10:45 हो गया सर और अभी आप आ रहे हैं और एग्ज़ाम 10 बजे से ही था। हाँ, गाड़ी थोड़ा
हवा कम। और ये लोग जो सांकेतिक प्रदर्शन, अभी हम लोग लड़के से बात किए, कल प्रिंसिपल सर से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि लड़के लोग को समझाओ और कहो कि प्रदर्शन खत्म कर दें, हम आते हैं तो बात करेंगे, क्या कहेंगे? अभी लगातार ये लोग वही करेंगे, हम लोग सिर्फ एक मैसेज देना चाहें। अभी प्रिंसिपल से बात किए थे तो बोले कि हम आते हैं, परीक्षा अभी जारी रहने दीजिए, 10 तारीख के बाद इस पर बात होगी। 10 के बाद बात होगी ताकि सारे बच्चे तब तक बोनाफाइड बना लें ऑनलाइन के माध्यम से। तो ठीक है, आप सर इंचार्ज है, अगर 10 तारीख के ही बाद लड़के लोग आप दे दीजिए, 10 के बाद आप इसको लिखित देते हैं कि जो पैसा लिया जा रहा है बच्चों से वापस कर दिया जाएगा। ये तो प्रधानाचार्य के, तो ये जब ऑनलाइन सारी प्रक्रिया हो जाएगी सर, उसके बाद फिर बैठकर बात करने की क्या बात होगी? दो ही बात हो सकती है ना, कि सारे बच्चों का पैसा दे दिया जाए, और नहीं तो आज प्रदर्शन कर रहे हैं इन लोग, जैसे लड़कों से मैंने बात किया, बोले कि आज और कल हम सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे 1-1.5 घंटे, बुधवार से इसको हम प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पर बैठेंगे और जो यहाँ पर हम प्रदर्शन करेंगे उसका जिम्मेवारी हम लोग नहीं होंगे, कॉलेज प्रशासन ही होगा, ऐसा इनका कहना है। प्रधानाचार्य से मैं बात करता हूँ। प्रधानाचार्य से बात कर रहे हैं सर का ऐसा कहना है, क्योंकि जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, इन्होंने सीधा कहा है कि आज तक तो अभी तक तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुआ है छात्रों को कि आने जाने में या परीक्षा देने में कोई दिक्कत, लेकिन नारेबाजी कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, अभी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की, खत्म करने की जो लीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, उन्होंने बोला कि अभी यहाँ पर हम सांकेतिक प्रदर्शन करके जा रहे हैं, आप देख रहे हैं पोस्ट के लिए। धन्यवाद।